स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर, दिस इज इंग्लिश ग्रामर क्लास एंड चैप्टर टू. वन चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब चैप्टर टू को पढ़ेंगे हम लोग. इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के प्रकार. सेंटेंस क्या होता है आपने पढ़ा है. सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है, लेकिन इसके बहुत से टाइप हो सकते हैं. तो हम इसके फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस है. यहाँ पे देर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस. पहला है स्टेटमेंट, इसको असर्टिव भी कहते हैं. दूसरा है क्वेश्चन, तीसरा है कमांड या इंपरेटिव, और ये इंट्रोगेटिव. क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर फोर सरप्राइज और एक्सक्लेमेटरी. फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट सेंटेंस, ये होता है जिसमें हम कोई साधारण सा स्टेटमेंट या कोई कहावत या कुछ भी ऐसा कहते हैं. जैसे सेंटेंस विच स्टेट टेल और से समथिंग, जो कुछ कहता है किसी के बारे में, सिर्फ कहे, कोई बात कहे अपनी, कोई विधानात्मक वाक्य को कहते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस. तो ये आपको डेफिनेशन लिख लेना है फर्स्ट सेंटेंस का. सेंटेंसेस विच स्टेट टेल और से समथिंग आर कॉल्ड स्टेटमेंट सेंटेंस. अब इसमें देखिए, इसमें एग्जांपल है बटरफ्लाइज आर ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स. ये बटरफ्लाइज के बारे में कहा गया है, तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट. टुडे इज मंडे, आई एम एन आर्टिस्ट, ये साधारण से सेंटेंस है जिसको कहे गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट सेंटेंस. इसके बाद ये ध्यान रखना है, स्टेटमेंट सेंटेंस जो है उसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है और अंत में फुल स्टॉप आता है. शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से और अंत में फुल स्टॉप होगा, तो आपका हो जाएगा सेंटेंस स्टेटमेंट सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस. उसके बाद है इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस. यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन. जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, सेंटेंस आस्किंग क्वेश्चन आर कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंस. तो जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसको कहेंगे क्वेश्चन सेंटेंस. जैसे व्हाट इज़ योर नेम, डू यू लाइक कीवीज, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह के सेंटेंस हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो. पहला लेटर तो कैपिटल हो या WH हो सकता है या कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इसका भी डेफिनेशन आपको लिख लेना है. थर्ड है कमांड सेंटेंस. कमांड यानी ऑर्डर देना, आज्ञात्मक वाक्य जिसमें हम ऑर्डर देते हैं. जैसे क्लास में हम कहते हैं सिट डाउन, स्टैंड अप, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, या कोई ऑर्डर दिए जाते हैं, कमांड दिए जाते हैं, किसी को आज्ञा दी जाती है, गो आउट ऑफ द क्लास, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको कहते हैं कमांड सेंटेंसेस. इसकी शुरुआत जो होती है हमेशा वर्ब से होती है और अंत में फुल स्टॉप आता है. इस बात को याद रखना है, यहाँ वर्ब से शुरुआत होगी, इसकी ऑर्डर दिए जाएंगे और अंत में फुल स्टॉप आएगा, तो इसको कहेंगे कमांड सेंटेंस. इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है जिसको कॉपी में लिखना है. सेंटेंसेस गिविंग कमांड्स आर कॉल्ड कमांड सेंटेंसेस. नाउ फोर्थ सेंटेंस है सरप्राइज सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो एक्सक्लेमेटरी जो ये सेंटेंस का डेफिनेशन है, सेंटेंसेस शोइंग सरप्राइज ऑफ एनी मैनर, हैप्पीनेस, सैडनेस, शेम आर कॉल्ड सरप्राइज सेंटेंस. कोई फीलिंग अचानक हमारे मुंह से, सडन फीलिंग जो निकलती है उसको हम कहते हैं, किसी चीज़ को देख के, मान लो फ्लावर को देख के आपके मुंह से निकलता है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये इस तरह के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं. आश्चर्य सूचक शब्दों से उसकी शुरुआत होती है और ये अंत में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें लगा होता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. यहाँ तक आपका डेफिनेशन है कॉपी में. यहाँ पे आपको जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, हाउ ब्यूटीफुल द एलिफेंटा केव्स आर. एलिफेंटा केव्स कितने ब्यूटीफुल है उसको देखते साथ आपके मुंह से निकलता है हाउ ब्यूटीफुल. तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो आपके एक्सक्लेमेटरी या सरप्राइज सेंटेंस कहलाते हैं. अब आपको यहाँ एक्सरसाइज दिए हुए हैं जिसको आपको करना है. यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एस फॉर स्टेटमेंट, क्यू फॉर क्वेश्चन, सी फॉर कमांड एंड ई फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आप इसको पहचानोगे. यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस में है लुक आई हैव गॉट इट, तो लुक के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, इस तरह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा. तो यहाँ ई लिखेंगे. यहाँ पे देखिए कैपिटल से शुरुआत है, ये साधारण सेंटेंस है, आई लाइक फ्रेश जूस ओनली, तो ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट. जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन, जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा वहाँ पे हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी, और जहाँ पे शुरुआत या कोई ऑर्डर होगा जैसे डू नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक,
कोल्ड ड्रिंक मत पियो, इस तरह का जो ऑर्डर होगा उसको कमांड सेंटेंसेस कहेंगे। तो आप इस तरह से इसको लिख लोगे, कुछ अपने से भी ट्राई करोगे। नेक्स्ट है राइट सेंटेंसेस एज स्टेटेड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो दिया है उसके हिसाब से आपको अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पे देखो, पहला है कमांड सेंटेंस बनाना है, तो कमांड में आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे डू नॉट प्ले ऑन द रोड, डू नॉट स्पिट हियर एंड देयर, इस तरह के सेंटेंस आप, गो आउट ऑफ द क्लास, सिट डाउन, डोंट कम टू मी, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके कमांड होंगे। इसके बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स में आप बहुत सारे सेंटेंस दे सकते हो, इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ नाइस बॉय, आई एम एन इंडियन, इस तरह से सेंटेंस स्टेटमेंट होते हैं, आपको अपने मन से बनाने हैं। क्वेश्चन सेंटेंस बहुत सारे होते हैं, जिसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ साधारण क्वेश्चन जैसे यस नो क्वेश्चन भी होते हैं। तो हम इस तरह से बनाएंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, वेयर डू यू लीव, इस तरह के क्वेश्चन सेंटेंस बनते हैं। और सरप्राइज सेंटेंस में व्हाट या हाउ का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं, व्हाट अ लवली गर्ल शी इज़, व्हाट अ या हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज़, इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। और आपको सारे सेंटेंसेस के डेफिनेशन कॉपी में लिख लेने हैं और इनको बुक में फिलअप कर लेना। इस तरह से चैप्टर 2 आपका कंप्लीट होता है।